हाय फ्रेंड्स, दोस्तों एक बात अक्सर हमारे दिमाग में आती है कि क्या बवासीर को खुराक के जरिए यानी डाइट में कुछ चेंजेस करके ठीक किया जा सकता है। ऑफ कोर्स किया जा सकता है इन द इनिशियल स्टेजेस। अगर शुरुआत में पेशेंट सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान करे तो वो बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई के ठीक हो सकता है। नंबर 1 कि अपने डाइट में फाइबर्स को ऐड करना है, यानी लंच और डिनर दोनों में खाने के साथ सैलेड खाना है। नंबर 2 दिन में 12 से 14 गिलास पानी के पीने और सुबह उठ के 2-3 गिलास कोसे पानी के पीने, और बेटर इज कि आप कॉपर वेसल में पानी रखें और मॉर्निंग में उठ के 2-3 गिलास उसके पीने। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपको टॉयलेट का प्रेशर है तो आपको उसको रोकना नहीं है। कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि बाद में चले जाएंगे। डोंट डू दिस। जब आपको टॉयलेट का प्रेशर है आप साथ के साथ जाओ, और जब आपको प्रेशर नहीं है तो आप टॉयलेट बिल्कुल मत जाओ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, आप ऑफिस जा रहे हो, आप सोचते हो अब रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा, तो बेटर इज कि मैं कुछ स्ट्रेन भी करना पड़ता है, कुछ जोर भी लगाना पड़ता है, तो पेट अभी घर में ही साफ हो जाएगा। और एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बाजार की चीज़ें हैं, यानी कि मैदा, आटा और मैदा 2 फूड प्रोडक्ट हैं जो मेजर हमारे डाइट में आते हैं। आटे में फाइबर होता है, वैसे तो आजकल चक्की में वो भी लोग सेपरेट कर देते हैं, पर फिर भी उसका फाइबर कंटेंट मैदे से ज़्यादा होता है। मैदा इज माइक्रो रिफाइंड पाउडर। तो बेटर इज कि आप आटे को यूज़ करें हर प्रोडक्ट के अंदर, ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, वाइट ब्रेड नहीं, लाइक दैट। किसी भी चीज़ में जो आटे में ऑप्शन अवेलेबल है आप आटे को यूज़ करिए। और डाइट में फाइबर को हमेशा ज़्यादा रखिए। फूड प्रोडक्ट्स जो आप बाहर के हैं, जैसे कि चाइनीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, उसको अगर आप लेना भी चाहते हैं, इवन इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ, तो आप उसके लिए कोई एक दिन फिक्स करिए और एक आदत बनाइए कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ खाते हैं तो साथ में गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर आपको साथ में लेना है। यानी ऐसी कोई चीज़ खाते तो एक प्लेट भर के सैलड साथ में लेना। आप किसी भी शादी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, किसी भी पार्टी में जाओ, सैलड इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, सो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो दोस्तों अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो ऑफ कोर्स आप डाइट के थ्रू भी अपनी पाइल्स को ठीक कर सकते हैं, फिशर को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।